शांति। 16/9/2023 यानी 16 सितंबर 2023 की मुरली। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सबको पतित से पावन होने का लक्ष्य देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। आज का प्रश्न है, ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? तो इसका उत्तर है, मंगल मिलन मनाने का अनुभव ईश्वरीय गोद में आने वाले बच्चों को होता है। जो बच्चे ईश्वरीय गोद में आते हैं उनको ही मंगल मिलन मनाने का अनुभव होता है। तुम जानते हो कि यह संगम युग है, ईश्वर से मिलन मनाने का युग। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते हो। इस समय तुम बच्चे सम्मुख मिलते हो। सारा कल्प कोई भी सम्मुख मिलन नहीं मना सकते। तुम्हारा यह बहुत छोटा सा ईश्वरीय कुल है। शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा और तुम बच्चे हो भाई बहन, बस दूसरा कोई संबंध नहीं है। आज का गीत है नई उम्र की कलियां। ओम शांति। बाबा जब आते हैं तो पहले कुछ समय साइलेंस में बैठना चाहिए, क्योंकि पहले पहले दान दिया जाता है याद का। याद से ही पतितों को पावन बनाना है। तुम बच्चे दान दे रहे हो और ले रहे हो। बाप आकर के कांटों से कलियां बनाते हैं, फिर कलियों से फूल बनते हैं। तुम जानते हो हमारी सर्विस ही है हर एक को स्वर्ग के लायक बनाना। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो कि हमारा काम ही है हर एक को स्वर्ग के लायक बनाना, जैसे तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। बाप आकर के पहले हेल्थ पीछे वेल्थ देते हैं, पहले शांति फिर सुख। वास्तव में सुख दोनों में है। तुम बच्चों को सुख और शांति दोनों चाहिए, और जो सन्यासी आदि हैं वह सिर्फ शांति चाहते हैं। सन्यासी सुख नहीं चाहते हैं, सुख तो वह दे ना सकें। अगर शांति देबे तो भी अल्पकाल क्षण भंगुर सुख के लिए। कहते हैं कि सुख तो काग-भिष्ठा समान है। सन्यासी बहुत करके शांति चाहते हैं मुक्ति के लिए। मुक्ति दूसरा कोई तो दे नहीं सकता। इसको बेहद की मुक्ति, बेहद की जीवन मुक्ति कहा जाता है। तो बेहद का बाप ही दे सकते हैं। तुम जानते हो इस समय सब कांटे हैं और कांटे चुभते हैं। बाप कहते हैं कि सब एक दूसरे को काम कटारी से मारते हैं। उनको पता नहीं है कि काम कटारी को हिंसा ही कहा जाता है। तुम विकार में जाते हो तो आदि मध्य अंत एक दूसरे को दुख देते हो। यह है ही दुख की दुनिया। सुख की दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है, जबकि नई सृष्टि नया भारत है। भारतवासी जो देवी देवताओं के पुजारी हैं, जानते हैं कि इन देवताओं का राज्य था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। यह भी महसूसता आती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के उनकी महिमा गाते हैं, समझते हैं कि भारत के यह मालिक थे, भारत स्वर्ग था। यह भी महसूसता आती है, परंतु हवा की तरह। समझते तो हैं कि भारत में लक्ष्मी नारायण के इतने मंदिर बनाते हैं तो उनकी राजधानी थी, महाराजा महारानी कहा जाता है, परंतु कब थे वो भूल गए हैं। कितनी साधारण भूल है।
कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5000 वर्ष की बात है। क्राइस्ट बुद्ध आदि को 2500 वर्ष हुए हैं। उनके लिए कहते हैं कि रीइनकार्नेशन किया, अवतार लिया। रीइनकार्नेशन का मतलब होता है अवतार लेना। वैसे तो रीइनकार्नेट हर एक करते हैं, आत्मा आकर के प्रवेश करती है, इसको भी रीइनकार्नेट कहेंगे। परंतु पहले बड़ों का नाम गाया जाता है। कहा जाता है कि परमपिता परमात्मा रीइनकार्नेट करेंगे, तब आकर के शरीर में प्रवेश करेंगे। रीइनकार्नेट का अर्थ यह है। तो जो बड़े नामी ग्रामी होते हैं उनके लिए यह कहा जाता है। जैसे बुद्ध का रीइनकार्नेशन, क्राइस्ट का रीइनकार्नेशन, बौद्धी और क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन देखने में आता है। गुरु नानक को 500 वर्ष के लगभग ही दिखाते हैं, उनका भी छोटा रीइनकार्नेशन है, वह बड़े हैं। तो रीइनकार्नेशन सब करते हैं। अब परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं, परंतु वह कब आएगा, कैसे आएगा, यह नहीं जानते। शरीर में तो जरूर आना होता है, परंतु जन्म ना लेने के कारण उनको रीइनकार्नेशन कहा जाता है। छोटा बच्चा तो नहीं बनते हैं, परमपिता परमात्मा छोटा बच्चा नहीं बनता है। परमपिता परमात्मा बड़े शरीर में प्रवेश कर जाता है, इसलिए परमपिता परमात्मा के जन्म को अवतार कहा जाता है। परमपिता परमात्मा छोटा बच्चा तो बनते नहीं हैं, इसलिए परमपिता परमात्मा के जन्म को अवतार कहा जाता है। सबसे बड़ा रीइनकार्नेशन परमपिता परमात्मा का कहेंगे, सबसे बड़ा अवतार परमपिता परमात्मा का कहेंगे। गाते हैं कि परमात्मा 24 अवतार लेते हैं। अब वह कह देते हैं कि पत्थर पत्थर में अवतार लिया, गिरते जाते हैं। जैसे भारत गिरता जाता है, वैसे उनकी कथनी भी गिरती जाती है। बाप नई दुनिया का रचयिता है, सो जरूर नई और पुरानी के संगम पर ही आएंगे। उनको सबसे बड़ा रीइनकार्नेशन कहेंगे, सबसे बड़ा अवतार परमपिता परमात्मा का कहेंगे, क्योंकि परमपिता परमात्मा छोटा बच्चा बनते ही नहीं हैं। परमपिता परमात्मा डायरेक्ट बड़े के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, एक बुजुर्ग के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। शिव का सबसे बड़ा रीइनकार्नेशन है, परंतु मनुष्य समझते नहीं हैं, क्योंकि परमात्मा से बेमुख हुए हैं। निराकार से परिचित जरूर हैं, परंतु वह यह नहीं जानते कि परमात्मा कब आते हैं, क्या आकर के करते हैं। ऐसे नहीं कि विष्णु का रीइनकार्नेशन कहेंगे, ऐसा नहीं है कि विष्णु का अवतार कहेंगे, देवी देवता धर्म का रीइनकार्नेशन नहीं कहेंगे, देवी देवता धर्म की स्थापना कहेंगे, देवी देवता धर्म का अवतार नहीं कहेंगे, देवी देवता धर्म की स्थापना कहेंगे। विष्णु अवतरण का एक नाटक भी बनाते हैं। अब वास्तव में विष्णु अवतरण की तो बात ही नहीं है, तुम अब विष्णु के कुल के बन रहे हो, ईश्वर का कुल है ना। यह शिव का बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे तुम, तुमको ईश्वरीय कुल कहा जाता है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मैं आकर के तुमको अपना बनाता हूँ, मैं आकर के तुम बच्चों का बाप बनता हूँ। वैसे हूँ तो सबका बाप,
परंतु अभी तुम ब्रह्मा द्वारा मेरे बने हो, इसलिए तुम मुझे दादा कहते हो। आत्माओं का बाप तो है ही, सब जानते हैं इस समय मैं आया हुआ हूँ, तुम ही अभी मिलते हो। बेहद के बाप से तब मिलते हो जब बाप जन्म देते हैं। अभी तुमको धर्म का बच्चा बनाया है ब्रह्मा के द्वारा। विकार के तो बच्चे हो ना सके, इतनी प्रजा है, भाई बहन कितने हैं, तो यह सब मुख वंशावली ठहरे ना। सन्यासियों की वंशावली नहीं होती है क्योंकि उनमें दादा बाबा का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ बाप भी है दादा भी है। दादा इनको यानी बड़े भाई को कहा जाता है। बाप आकर के अपना बनाते हैं। तुम जानते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं। यह मंगल मिलन है, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, इसको ही संगम कहा जाता है। संगम में मिलन होता है, जैसे तीन नदियों का संगम है, उसमें क्या होता है, गुरु लोग और जिज्ञासु का मंगल मिलन होता है। वह तो हो गया जिस्मानी मिलन, गाया भी हुआ है आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन। यह सबसे अच्छा है, आत्माएं मिलती हैं परमपिता परमात्मा से, इसमें पानी के नदी की बात नहीं है। यहाँ तुम बैठे हो, यह तुम्हारा बहुत भारी मंगल मिलन है। आत्माएं भी चैतन्य हैं, परमपिता परमात्मा का यह लोन लिया हुआ शरीर है, इनको मंगल मिलन कहा जाता है, कुंभ का मेला कहा जाता है ना, कुंभ को भी संगम कहेंगे। तीन नदियों के संगम का नाम कुंभ रख दिया है। सबसे बड़ा संगम कौन सा है, सागर और नदियों का। सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, उसमें बाबा आते हैं, इसीलिए सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का इकट्ठा मेला तो है ही। अब कुंभ का मेला है संगम पर, तुम सब एक जान सागर बाप से मिलते हो, इसको ईश्वरीय कुंभ का मेला कह सकते हैं। यह है आत्माओं और परमात्मा का संगम, कुंभ व संगम बात एक ही है। तो तुम बच्चे जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, हमको घर में पवित्र हो करके रहना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ ही स्वर्ग कहेंगे। बच्चे पवित्र रहते हैं तो पवित्रता सुख शांति है। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताओं की होती है, कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, इसको ही स्वर्ग कहेंगे। वही फिर अस्थाई स्वर्ग बन जाता है। घर में ऐसा लायक बनना है, इसलिए कहा जाता है कि घर घर को स्वर्ग बनाओ। तुम मनुष्यों को स्वर्ग में चलने लायक बनाते हो, तुम्हारे लिए ही गीत है कि घर घर को स्वर्ग बनाओ। सतयुग में घर घर में स्वर्ग था, लेकिन अब नहीं है। जो बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं उन्हों को अपने घर बैठे पतित से पावन बनने का लक्ष्य देना है। यह बड़े ते बड़ा चैतन्य तीर्थ है। जहाँ शिव बाबा सागर है वहाँ तुम आत्माएं गंगाएं जरूर होंगी। यह सबसे बड़ा ऊंच ते ऊंच मेला है। वह सब हैं भक्ति मार्ग के मेले, यह है एक ज्ञान मार्ग का मेला। भक्ति मार्ग के मेले तो जन्म बाई जन्म लगते रहते हैं,
एक ज्ञान मार्ग का मेला एक ही बार लगता है। यह है रूहानी मिलन। सुप्रीम रूह परम धाम से आकर के बच्चों से मिलते हैं। सबसे अच्छी यात्रा या मेला यह है। यह चैतन्य सागर तो कहाँ भी जा सकते हैं, वह जड़ सागर तो कहीं नहीं जाता। यह सागर जाता है, तुम नदियाँ भी जाती हो निमंत्रण पर। एक ज्ञान सागर इस ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ चलते हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार की नदियाँ हो, कोई पवित्र हैं, कोई अपवित्र हैं। कोई कोई समय ऐसे बहुत आ जाते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते हैं, फिर भी आते तो हैं ना। बाहर के गृहस्थी भी आते हैं, अलाउ किया जाता है। ऐसे भी नहीं कि सबको अलाउ करेंगे। कोई मित्र संबंधी आदि आते हैं जिन्हों को उठाने के लिए अलाउ करते हैं, नहीं तो कायदे बहुत हैं। इंद्रप्रस्थ में कोई पतित आ ना सके, कोई भी पंडा व सब्जपरी आदि कोई भी पतित को साथ में ले आ नहीं सकती। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना, सर्टिफिकेट तुमको मिलता है। किसी को साथ ले आती हो या भेज देती हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। वैसे तो सेंटर पर तो निमंत्रण भी देते हैं, कितने पतित आते होंगे। सेंटर पर पतित आए तब तो उनको पावन बनाओ। यहाँ तो सागर बैठा हुआ है तो नियम रखे हुए हैं। नब्ज देखी जाती है, डॉक्टर सर्जन तो भिन्न भिन्न होते हैं ना। मम्मा बाबा व अनन्य बच्चे बात करेंगे तो झट पता लगेगा कि बुद्धि में बैठता है व नहीं बैठता। तुम कोई को भी समझाएंगे कि दो बाप हैं तो झट मानेंगे। युक्ति बतलाई जाती है। परमपिता परमात्मा को तो सब याद करते हैं, हम फलाने बाप के बच्चे हैं, सिर्फ उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। भक्ति मार्ग के भक्त लोग निराकार परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा धरती पर कब आते हैं और परमपिता परमात्मा का क्या काम है। यह तो तुम बच्चे समझ गए हो कि जिस जिस नाम रूप से जो मनुष्य आते हैं उसी नाम रूप से 5000 वर्ष बाद फिर आना है जरूर। क्राइस्ट का जो चित्र है हूबहू फिर उसी समय ही हो सकता है, ऐसा और किसी मनुष्य का हो नहीं सकता। कृष्ण का जो चित्र है वह फिर और किसी मनुष्य रूप में हो ना सके। आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जन्म लेते लेते अब पतित हो गई है, उसको फिर पावन बनाते हैं। तुम जानते हो कि कल्याणकारी बाप है और अकल्याणकारी रावण है। सबको सदगति देने वाला बाप है, फिर इसमें मनुष्य तो क्या सब चीजों की सदगति हो जाती है। नरक का विनाश और स्वर्ग की स्थापना होती है। जो कल्प पहले आए थे, कोई पंजाबी कोई पारसी आते हैं ना, सभी को निमंत्रण देना है। बाप आया हुआ है, यह ढिंढोरा पीटने में भी कोई हर्जा नहीं है। तुम्हारे चित्र भी बड़े अच्छे हैं, अभी तुम मंदिर के लायक बनते हो। अब भूतों को निकालने में बड़ी मेहनत है। लक्ष्मी अथवा नारायण को बरने के लिए बिकारी अवगुण निकालने में कितनी मेहनत लगती है। कोई को काम का भूत, कोई को क्रोध का भूत, किसी को मोह का भूत थप्पड़ मार देते हैं, एकदम गिर पड़ते हैं।
लोभ बस भी गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां मिठाई देखेंगी तो छिपा कर खा लेंगी। लोभ ने भी कितनों को नुकसान पहुंचाया है। लोभ के बस में आ कर के ही चोरी करते हैं। पहले तुम भट्टी में थे, अभी तो सबको अपने घर में भट्टी बनानी पड़ेगी। बाप ने एक ही भट्टी बनाई, अभी तो कहते हैं कि पहले 7 रोज भट्टी में रहना पड़े। आजकल किसी का भट्टी में बैठना बड़ा मुश्किल है। सेंटर में भी आते हैं तो रंग चढ़ाते हो, फिर घर में जाने से रंग उड़ जाता है, संग दोष लग जाता है। तो अभी तो बड़ी मेहनत है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरी कुल में बैठे हैं, बाप दादा और हम भाई बहन हैं। ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम कुल गाया हुआ है। उन ब्राह्मणों को भी तुम एग्जाम दे सकते हो कि ब्राह्मण हैं उत्तम चोटी। यह संगम युगी ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। पहले तो देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण हैं। चोटी तो ऊंची ठहरी ना। तुम ब्राह्मण देवताओं की पूजा करते हो, अपने को पुजारी उनको पूज्य समझते हो। तुम उन पुजारियों ब्राह्मणों को भी यह समझा सकते हो। तुम तो हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, संगम युगी ब्राह्मण। तुम ब्रह्मा मुख वंशा बली हो, फिर तुम सो देवता बनते हो। स्वर्ग का देवता जरूर परमपिता परमात्मा ही बनाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, अंदर के अवगुणों की जांच कर उन्हें निकालना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। गलत संगत से दूर रहना है। देवताई गुण धारण कर स्वयं को लायक बनाना है। दूसरा है, घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। भूतों को बाप की याद से भगाना है। विकारों को बाप की याद से भगाना है। बाप के साथ मंगल मिलन मनाते रहना है। आज का वरदान है, अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। आप सब अनादि रूप में हो ही उड़ने वाले, लेकिन बोझ के कारण उड़ता पंछी के बजाय पिजड़े के पंछी बन गए हो। अब फिर से अनादि संस्कार इमर्ज करो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियां नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। यही सर्व समस्याओं का समाधान है। आज का स्लोगन है, हर कदम में कल्याण समझ हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। अगर आज की मुरली आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ओम शांति लिखना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद। ओम शांति।